चलो देखो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट जो करेंगे वो इम्पीडेंस को स्टार्ट करेंगे कि इम्पीडेंस कैसा पढ़ाते हैं। और इम्पीडेंस को पढ़ने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक इसके पहले एक क्लास मैंने लिया था, शायद एक शॉर्ट वीडियो, छोटा वाला वीडियो इम्पीडेंस का आप तक पहुँचाऊँगा व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा, शायद आपने देखा होगा। जितने बच्चों ने देखा है, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिबाधा होता है। तो ये जो इम्पीडेंस है ये एक प्रकार की प्रतिबाधा होती है, और प्रतिबाधा को समझने के लिए हम रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। हम जानते हैं रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध ये भी क्या करता है, सर्किट में बाधा ही उत्पन्न करने का काम करता है ना, मतलब करेंट के मार्ग में क्या करेगा, ये बाधा उत्पन्न करता है। जब ये करेंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो प्रतिबाधा है, यदि प्रति और बाधा को अलग अलग कर दिया जाए, ये हो गया आपका प्रति प्लस बाधा। तो ये जो बाधा है एक प्रकार का क्या है, रुकावट है। अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। तो जब एसी सर्किट को हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे रेजिस्टेंस एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है कि नहीं। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये एसी और डीसी दोनों में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है, और ये जो रुकावट पैदा करता है ये करंट के मार्ग में करता है। वैसे यहाँ पर ये जो प्रतिबाधा है ये एसी सर्किट में जब हम पढ़ेंगे तो ये जो इम्पीडेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि इम्पीडेंस, तो ये इम्पीडेंस होता क्या है, जनरली यदि आपके पास कोई आर एल सी सर्किट है, आर ये हो गया आपका एल और ये सी सर्किट हो गया, जब आप इसे किसी एसी सर्किट से, मतलब कि एसी सप्लाई से जोड़ देंगे, जैसे ये हो गया एसी सप्लाई, इसको एसी सप्लाई कहेंगे हम, इसका सिंबल कैसा होता है, इस टाइप से होगा एसी सप्लाई का। तो जैसे ही आप एसी सप्लाई देंगे तो ये हो गया आर, ये एल और ये सी। जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो ये रेजिस्टेंस से, इंडक्टेंस कॉइल से और कैपेसिटेंस कॉइल से, मतलब कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों से होकर करंट फ्लो होगी। जब ये तीनों से होकर करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ परसेंट ड्रॉप होगा। जब ड्रॉप होगा तो करंट के मान में भी परिवर्तन हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, और वोल्टेज के मान में भी परिवर्तन हो सकता है। अब ये सबका अलग अलग नेचर होता है कि करंट के मान में परिवर्तन कब होगा और वोल्टेज के मान में परिवर्तन कब होगा। जैसे कि ये हो गया रेजिस्टेंस, तो जब रेजिस्टेंस किसी सर्किट में कनेक्ट होता है एसी सर्किट में, तो ये करंट के मार्ग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो करंट के मार्ग में ये क्या कर देगा, रुकावट पैदा कर देगा, मतलब घटा देगा या बढ़ा देगा। तो करंट के मान में होने वाला परिवर्तन हो गया ये। वैसे ही इंडक्टिव कॉइल जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो इंडक्टिव कॉइल है ये भी कहीं ना कहीं करंट के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेगा, और ये जो कैपेसिटेंस है ये भी वैसा ही काम करता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि यहाँ पर जब करंट फ्लो होगी तो हो सकता है करंट का मान यहाँ पर कम हो जाए रेजिस्टेंस के कारण। वैसे ये जो इंडक्टेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है, इन तीनों को जब किसी सर्किट में आप कनेक्ट करोगे और जब करंट के मान में कुछ परिवर्तन होगा, कम या ज़्यादा होगा, या करंट के मान में जो रुकावट पैदा हुआ, या ये बोल सकते हैं कि टोटल जो बाधा उत्पन्न जो होगा या टोटल अवरोध जो उत्पन्न होगा, ये जो अवरोध उत्पन्न होगा इसी को क्या कहेंगे अब, इम्पीडेंस। तो ये जो इम्पीडेंस होता है इसे जेड से शो करते हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी ऐसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। मतलब R और L और C तीनों को यदि आप कनेक्ट करते हैं तो इसके कारण जो रुकावट पैदा होगी उसी रुकावट को क्या कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे। अब जनरली तौर पर यदि देखा जाए तो ये जो इम्पीडेंस है इसे Z से शो किया जाता है। जैसे रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है करेंट के मार्ग में, वैसा इम्पीडेंस भी करता है रुकावट पैदा। और ये जो बात कर रहे हैं वो एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है ये, इसका इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जेड। तो कौन सा जेड होगा, स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा, कैपिटल होगा इसका जेड, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह हो गया जेड, और इसकी इकाई क्या होगी, ओम से शो करेंगे इसको, मतलब कि इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, ओम होगी। अब देखिए रेजिस्टेंस की भी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है ना। कैसा लिखते हैं इसको, इस टाइप से लिखते हैं, रेजिस्टेंस भी बाधा उत्पन्न करता है, ये भी एसी और डीसी दोनों में करता है। वैसे ही ये जो इम्पीडेंस है ये भी बाधा उत्पन्न कर रहा है,
तो जितनी बाधा उत्पन्न करने वाली जितनी भी सर्किट होगी, सबका जो सबकी जो इकाई होगी या यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम ही होगी। याद रखिए, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है अर्थात उसकी उसकी जो यूनिट होगी, उसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी, ओम होगी। ये माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी एग्जाम में आएगा, यदि आपको आंसर नहीं भी मालूम है तो भी आप देख के लगा सकते हैं इस फंडे को। मतलब यही बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट जो होता है ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप ऐसे ही होता है। जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिए कि जहाँ पर भी बाधा उत्पन्न करने वाला काम किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी इकाई क्या होगी, ओम होगी। तो ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हो गया ये जो इम्पीडेंस की जब बात करते हैं हम, तो इम्पीडेंस में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ये जो इम्पीडेंस है ये किस किस का है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, तो ये रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, रिएक्टेंस मतलब उसको एक्सेस शो करते हैं, अक्सर देखा जाएगा। और ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इम्पीडेंस कहलाता है। जब भी आप फार्मूला देखोगे और फार्मूला चेक करोगे तो ये जो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस, ठीक है, ये जो इम्पीडेंस है इसमें रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस दोनों काम करता है इसमें। तो चेंज होने की कंडीशन में देखेंगे, जब रेजिस्टेंस किसी सर्किट में मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है, कहता है कि नहीं, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है। और ये जो रिएक्टेंस होता है, ये रिएक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी मालूम है आपको, इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अब ये मैग्नेटिक सर्किट में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है इसका काम कहाँ से डेवलप हुआ ये देखेंगे हम। तो अक्सर आपने देखे होंगे इसमें R, L और C तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं कि नहीं। देखो, हमेशा जब एक चीज़ आप पढ़ोगे इम्पीडेंस के बारे में, तो इम्पीडेंस का जो सर्किट होता है वो बेसिकली सर्किट इस टाइप से होता है, R, ये L और ये C, दिख रहा है यहाँ से। जब आप इसको एसी सप्लाई देते हैं तो ये है इंडक्टिव कॉइल, है कि नहीं, ये इंडक्टिव कॉइल है। मतलब कहीं ना कहीं जब इसमें आप करंट फ्लो करेंगे इस कॉइल में, जब आप एसी सप्लाई देंगे इसमें, जब करंट फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा, ये करेगा कि नहीं। तो खुद का जब मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा तो यहां पर कहीं ना कहीं रिएक्टेंस पैदा होगा, रिएक्टेंस पैदा होगा। तो इसके समान ही आपने रिलक्टेंस पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं, इसी के समान क्या पढ़े थे हमने, रिलक्टेंस को पढ़ा था। तो रिलक्टेंस जब आप पढ़ा था तो ये रिलक्टेंस क्या होता है, ये मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है, करता है कि नहीं, मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है। ये जो रिलक्टेंस है जो मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ रिलक्टेंस पैदा किस कॉइल में होगा, इस कॉइल में पैदा होगा। समझ में आ रहा है आपको, मैग्नेटिक सर्किट इस कॉइल में पैदा होगा तो रिलक्टेंस भी यहीं पैदा होगा, होगा कि नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये रेजिस्टेंस बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही यहाँ पर रिलक्टेंस भी बाधा उत्पन्न करेगा, करेगा। अब यदि आप इम्पीडेंस जेट को देखते हैं तो ये जेट का अपोजिट जो होता है वो रिएक्टेंस होता है, क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है, होता है कि नहीं, अरे रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। वैसे ये जो इम्पीडेंस है इसको क्या कहेंगे, इम्पीडेंस, क्या कहेंगे इसे हम, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एडमिटेंस होगा, सॉरी इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, ये वाई होगा, एडमिटेंस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एडमिटेंस होगा। तो ये इम्पीडेंस का अपोजिट एडमिटेंस होता है, वाई होगा। अब ये जो रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस कहाँ से बनता है ये हम आपको बताएंगे आने वाले चैप्टर में। इसके पहले इस सर्किट को देखेंगे हम, तो ये सर्किट को देखने के पहले हम देखेंगे यहाँ पर R और L लगा हुआ है, तो R और L यदि किसी सीरीज सर्किट में लगा रहता है तब क्या होता है, इसको देखेंगे हम। यहाँ पर R लगा है और आप सप्लाई क्या दे रहे हैं इसमें, AC सप्लाई दे रहे हैं कि नहीं। जब आप AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, कोई बताएगा स्टूडेंट, यदि किसी भी रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस कॉइल में जब आप AC सप्लाई देते हैं
तब क्या होगा, यहाँ पर आर एल सर्किट जब देखेंगे हम तो यहाँ पर R और L सर्किट जुड़ा हुआ है, और जब AC सप्लाई देते हैं आप यहाँ पर तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी, यहाँ पर भी करंट फ्लो होगी, यहाँ पर भी करंट फ्लो होगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ करंट या वोल्टेज को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, ठीक है। जब यहाँ पर ड्रॉप कर देगा वोल्टेज को, आप समझ सकते हैं जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इतना पॉइंट किसके लिए हो जाएगा, एक वोल्ट मीटर के लिए हो जाएगा। मान के चलिए ये वोल्टेज ड्रॉप करने लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप करना चालू कर देगा। ये वोल्टेज ड्रॉप करना चालू कर दिया, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सेकेंड, अब आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V1। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसका जो वोल्टेज सोर्स का मान V1 प्लस V2 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अरे जनरल, आप जब किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ये दो रेजिस्टेंस है, जब आप इसे AC सप्लाई देते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर जो V1 वोल्टेज ड्रॉप होता है और इसमें V2 वोल्टेज ड्रॉप, मतलब ये R1 है और ये R2 है, तो यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा टोटल। मतलब ये जो सप्लाई आपने दिया है उसके इक्वल होना चाहिए वो, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा, इसके माध्यम से इसको समझेंगे हम। इसमें देखेंगे जब यदि RL सर्किट कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट में, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा इंडक्टर श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं। ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है जब यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इन दोनों के इक्वल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें हम, तो यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस को निकालते हैं, तो जब रिएक्टेंस का मान निकालेंगे आप Z जो इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब टोटल रेजिस्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे आप XL कहते हैं, तो इंडक्टिव जब रिएक्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों जब इम्पीडेंस के साथ ऐड हो जाएगा तो इसका फार्मूला क्या बनता है मालूम है आपको? सिंपल वे में यदि आप समझेंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। किसी को है पाइथागोरस प्रमेय? इस टाइप से एंगल बनाएंगे आप, ठीक है, ये हो गया A, B और C, ये क्या हो गया कर्ण, ये लंब, और ये क्या हुआ आधार हुआ। अब देखिए इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में इस टाइप से है, Z का वर्ग है, और उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये R का वर्ग है और ये XL का वर्ग है। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग, ये हो जाएगा लंब का वर्ग, और ये हो जाएगा आधार का वर्ग। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर ये जो कर्ण क्या है, Z है, लंब क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा आपका XL हो जाएगा। जब आप इस फार्मूला के माध्यम से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये फार्मूला डेवलप होगा। तो ये फार्मूला कैसा बनेगा, Z का वर्ग इक्वल R का वर्ग प्लस XL का वर्ग। अब यदि मैं इसको रूट में डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, R का वर्ग प्लस XL का वर्ग। ये फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस फार्मूले से ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो जब भी पूछे यदि RL सर्किट है, कब भी बात करे, कभी भी कोई भी एग्जाम में RL सर्किट की बात करता है और ये सीरीज में कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो, तब आपको क्या करना है, इस फार्मूले के माध्यम से आपको कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका यही है कि आप ये जो दिख रहा है आपको फार्मूला Z = R² + XL², ये फार्मूले से आप, और वर्गमूल में दिया हुआ है, इससे ये फार्मूले से आप मान निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप देखेंगे कि आप P = VI cos φ होता है, P = क्या होता है, VI cos φ। ये जो cos φ होता है इसको समझेंगे थोड़ा सा, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि cos φ जो है ये पावर फैक्टर एंगल होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो पावर फैक्टर एंगल होता है, यदि इसे मैं ऐसा ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं
तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश होगा, ये हो जाएगा x, ये x डैश होगा और ये क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये ऊपर वाला जो होता है ये एक्टिव कंपोनेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। और ये जो इस साइड वाला जो पार्ट मिलेगा, यहाँ से यदि मैं एंगल खींचूँ तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ से ये जो फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, इन दोनों के बीच में ही कोई भी कोण बनेगा, जो भी कोण बने, हो सकता है ये 60 का बने या 45 का बने या 90 का बने, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये कंपोनेंट कहलाएगा आपका एपरेंट कंपोनेंट। मतलब हमें मालूम है कॉस फाई इक्वल क्या होता है, आर अपान जेड, ये फार्मूला मैंने बताया इसके पहले भी। इसमें जो फार्मूला है यहां पर क्या होता है, यदि आप देखेंगे पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कोई बताएगा, वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति का अनुपात होता है। तो ये हो जाएगा वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति का अनुपात। तो ये वही है वास्तविक शक्ति, ये एक्टिव कंपोनेंट जो दिख रहा है आपको, ये जो एक्टिव कंपोनेंट है ये वास्तविक शक्ति में आता है, जिसे आप एक्टिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव पावर, ठीक है। इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू पावर भी बोला जाता है, एक्टिव पावर भी बोला जाता है, ट्रू पावर भी बोला जाता है, वास्तविक शक्ति भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो अपेरेंट पावर है इसको बोलते हैं आभासी शक्ति। इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, जैसे कि समझो ये 45 डिग्री का कोण बना है, तो ये जो कोण है यही कॉस फाई का जो एंगल है ये एंगल कहलाएगा, मतलब कि पावर फैक्टर एंगल कहलाएगा। ये इस तरीके से इसको समझते हैं। तो ये वही है, यदि विद्युत के पिछड़ेपन का कोण, मतलब कि लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर जब आप किसी पॉइंट पर चेक करते हैं कि सामने जो कंपोनेंट आपने लगाया है, जो भी पैसिव कंपोनेंट लगाएंगे उसका जो पावर फैक्टर आपको देखने मिलेगा, उस पावर फैक्टर में जो भी परिवर्तन होता है, फर्स्ट है पावर फैक्टर में देखेंगे हम तो लैगिंग पावर फैक्टर, सेकेंड है लीडिंग पावर फैक्टर और थर्ड क्या मिलेगा आपको, यूनिटी पावर फैक्टर। अब ये जो तीनों पावर फैक्टर आपको देखने मिल रहा है, इसमें आप हर चीज को देखेंगे तो ये जो कॉस फाई है ये पावर फैक्टर एंगल के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन जब क्या होता है, यदि विद्युत के पिछड़ेपन का जो कोण होगा, मतलब कि पावर फैक्टर एंगल जो होगा, और यही एंगल वोल्टेज एंड करंट के बीच का होता है, कहने का मतलब यदि आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वोल्टेज और ये यहां से ये करंट के बीच का, मतलब यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। जैसे जैसे आप इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट या रजिस्टिव सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो ये पावर फैक्टर एंगल जो फाई है ये चेंज होते जाएगा, और ये जो पावर फैक्टर एंगल जो चेंज हो रहा है, हम इसी को क्या करेंगे, जो एक्टिव कंपोनेंट और जो पैसिव कंपोनेंट कनेक्ट होंगे, तो पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत क्या आते हैं मालूम है आपको, पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पैसिव कंपोनेंट में आते हैं आर, एल और सी, ये तीनों पैसिव कंपोनेंट की लिस्ट में आते हैं। यदि किसी सर्किट में, जैसे इस सर्किट में क्या कनेक्ट है, आर और एल कनेक्ट है, जब आर कनेक्ट होगा तो स्वाभाविक रूप से यूनिटी पावर फैक्टर होगा, इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यदि विद्युत के पिछड़ेपन का जो कोण है, मतलब कि कॉस फाई का जो एंगल है, ये एंगल आगे पीछे हो जाए, पिछड़ जाए, मतलब करंट का मान आगे हो जाए और वोल्टेज का मान पीछे हो जाए, या वोल्टेज का मान आगे हो जाए या करंट का मान पीछे हो जाए, तो यही बात की जा रही है इस पॉइंट में। यदि विद्युत के पिछड़ेपन का कोण चेंज हो जाए तो उसको कैसे दर्शाएंगे आप,
तो उसका जो पावर फैक्टर जब भी निकालेंगे आप, तो वो निकालेंगे कॉस फाई इक्वल आर अपान जेड से। अब ये कॉस फाई आर अपान जेड में इसमें जब पावर लॉस होगी तो वो फार्मूला कौन सा होगा, पी इक्वल वी आई कॉस फाई। तो ये वोल्टेज का मान और करेंट का मान यदि दिया हुआ है और आपको कॉस फाई का मान निकालना है, मतलब पावर फैक्टर निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो फाई का जो मान है, जब हम पावर फैक्टर पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, ये तीनों टाइप के जो पावर फैक्टर होते हैं, इसका डेरिवेशन भी है, जब उसको हम चेक करेंगे या पढ़ेंगे उसको अच्छे से विस्तृत रूप से, तब हमें इसमें बताएंगे कि इसमें 0, 30, 45, 60 और 90 कितने, 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये सभी पॉइंट में देखेंगे हम, तो यहाँ पर मान आपको अलग अलग मिलेगा। मतलब कि ये जो कॉस 30 का मान, कॉस 45 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान और कॉस 90 अंश का मान, ऊपर छूटा हुआ है कॉस 0 का मान। तो ये जो हम दिख रहा है आपको, इसी पर, इसी वैल्यू पर, मतलब इस जो आपको 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश पर जो मान निकलेगा, यदि आपको पूछे कॉस 30 का मान क्या होता है, कोई बताएगा कॉस 30 का मान क्या होता है, कोई बताएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2। यदि आपको साइन का वैल्यू पता है तो पलट देंगे उसको तो कॉस का आ जाएगा। तो जब साइन का वैल्यू आपको मालूम है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, इसी को आप पलट देंगे तो जो मान आएगा उसी मान को जब आप यहाँ लिखेंगे, यदि जब आप उसको क्या करेंगे, जैसे ये √3/2 है, अब √3 का मान 1.732 होता है, इतने होता है ना, उसको आप 2 से भाग देंगे तो जितना कैलकुलेशन करेंगे वो मान जो आएगा वही कॉस फाई का पावर फैक्टर होगा मान। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें एक्टिव पावर, अपरेंट पावर, मतलब कि तीनों मिलेंगे आपको, किलोवाट, ठीक है, KVA और KVAR, मतलब रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ठीक है, और अपरेंट पावर, मतलब ये हो जाएगा वास्तविक आभासी और एक होता है इमेजिनरी। तो ये तीनों पार्ट को हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये किस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से आप कोण बनाएंगे और इस कोण में ये हो जाएगा किलोवाट का, ये हो जाएगा केवीएआर का और ये केवीए का हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव, ये रिएक्टिव और ये अपरेंट, इस तरीके से होता है। तो इस ग्राफ को हम आगे समझेंगे हम जब पावर फैक्टर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल इसका जो फार्मूला होता है वो होता है R अपान Z, और Z का फार्मूला हमें मालूम है, इस Z की जगह क्या रखेंगे, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इस टाइप से रख सकते हैं हम। कब की सिचुएशन में, जब R और L दोनों जुड़े हो, यदि R L के बाद C भी जुड़ा हो तो ये जो फार्मूला है ये चेंज हो जाता है, फिर यहाँ पर ब्रेकेट में आ जाएगा, ये जैसे XL है वैसी XC हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इस वर्ग को हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा अप्रोक्स वाला सर्वांगसम वाला चिन्ह लग जाएगा उसमें, ये इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं RL सर्किट, तो RL सर्किट में जो है ये इस तरीके से ही फार्मूला ईजाद होगा, तो आपको याद भी रखना स्टूडेंट ये फार्मूला, कॉस फाई निकालने के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे आप। इसको नोट कर लो।